पे हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आता है, कर्नाटक बनेगा एक परिवार का एटीएम, और ये सच साबित हुआ है। के बारे में कल एक टिप्पणी हुआ, मैं ज़्यादा अखिलेश जी के साथ सहमत बड़े चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन किया कि कांग्रेस एक फ्रॉड है, और मैं उस फ्रॉड के बारे में और उनके फ्रॉड के राजनीति के बारे में और फ्रॉड के गारंटीज के बारे में आपके सामने थोड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। उनके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि हर स्टेट में जाकर कुछ ना कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ना कुछ गारंटी के बारे में कहे, और इलेक्शन के बाद उस गारंटीज को भूलकर कुछ और करे। और उस कर्नाटक का एमपी हूँ, कर्नाटक से मुझे नरेंद्र मोदी ने चुनकर मंत्रिमंडल में काम करने का मौका दिया, अवसर दिया, और हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, 5 गारंटियों के बारे में उन्होंने कहा, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और उस गारंटीज का आज क्या हाल है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3,000 रुपये के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए। इलेक्शन के बाद उस गारंटी को उन्होंने बदल कर, बड़े चालाकी से बदल कर, चालाकी से नहीं, कांग्रेस के मानसिकता के विचार से बदल कर, उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। यानी कि जो बाकी सब अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो जिनके लिए ये इन्होंने वादे किए थे, उन्होंने निकाल दिए। दूसरा, उन्होंने कहा गृहलक्ष्मी, कि हर फैमिली की महिला को 2,000 रुपये के मंथली महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे, केवल एक क्राइटेरिया बनाएंगे और वो क्राइटेरिया में जो फिट होंगे उनको ही देंगे हम। और वो क्राइटेरिया था बीपीएल, और ऐसे उन्होंने बहुत टाइटन कर दिया क्राइटेरिया को। यानी कि इलेक्शन से पहले क्या गारंटी था, और इलेक्शन के बाद में उनके जो सही वादे को जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम हुआ, उन्होंने बदल दिया। तीसरा, उन्होंने कहा कि 2000 यूनिट फ्री पावर देंगे हर हाउस होल्ड को गृह ज्योति, ये भी एक उनका गारंटी था। हालत यह है कर्नाटक में, आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं, और जो किसान थे जिनको 24 घंटे बिजली मिलता था, उनको आज बिजली नहीं मिलता है। ये है उनका इस गारंटी का परिणाम। इस के बेसिस पर आने वाले सरकार, गारंटी के खेल खिलवाड़ और राजनीति करने वाले सरकार का स्टेटस, एक मकसद था कर्नाटक को एटीएम बनाना, वो उन्होंने पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। ये फैक्ट हाल ही में 1 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से और डीके शिवकुमार के करीबी हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर से ये निकला था। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस and hit the bell icon to stay updated with the latest.